तो यार हैंडराइटिंग की इम्पोर्टेंस किसको नहीं पता। इवन आपकी हैंडराइटिंग कुछ हद तक आपकी पर्सनैलिटी को भी डिफाइन करती है। एक बेहतर और एक अच्छी हैंडराइटिंग हर किसी को पसंद है, बट हैंडराइटिंग के भी कुछ क्वालिटीज होती हैं। एंड मेनली मैं आपको आज की इस वाली वीडियो में सिर्फ दो टाइप की हैंडराइटिंग के बारे में बात करूंगा, जिसमें से पहली हैंडराइटिंग है फास्ट हैंडराइटिंग एंड सेकेंड है गुड हैंडराइटिंग। फास्ट हैंडराइटिंग क्या होती है ये तो मुझे आपको डिस्क्राइब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपको भी पता हो। बट एक गुड हैंडराइटिंग वही हैंडराइटिंग होती है जो कि मेजोरिटी लोगों को पसंद आए। एंड अगर आप सोचते हो कि मेरी तो एक गुड हैंडराइटिंग है एंड मैं एक फास्ट हैंडराइटर भी हूँ, तो मेरे दोस्तों आज के वाली वीडियो में हम एवरेज राइटिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट बात करेंगे एक फास्टेस्ट राइटिंग एंड फास्ट एंड एक बेस्ट क्वालिटी राइटिंग के बारे में। तो बेसिकली क्वालिटी हैंडराइटिंग एंड फास्ट हैंडराइटिंग एक समय पे करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो कि अच्छी राइटिंग बनाते हैं बट थोड़ा स्लो लिखना प्रेफर करते, क्योंकि ये बात तो आपको भी पता होगी स्लो लिखने से हमारी राइटिंग अच्छी बनती है एज कम्पेयर टू फास्ट हैंडराइटिंग। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कौन से टाइप की राइटिंग सबसे बेस्ट होती है। तो अगर हम बात करें एक ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग की, तो एक ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा लगते हैं। लोअर क्लासेस के लिए एक ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होती है, बट वहीं थोड़ी हायर क्लासेस में एक ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग एग्जाम में बनाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब एग्जाम के लिए एक क्वालिटी हैंडराइटिंग बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एंड टाइम कंज्यूमिंग पार्ट बन जाता है। बट फिर भी अगर इसका ओवरऑल कंक्लूजन देखें तो एट द एंड हमें एक अच्छा आउटपुट मिलता है एंड हमारी नोटबुक और हमारा पेज थोड़ा एट्रैक्टिव लगता है। दूसरी तरफ हम बात करें फास्ट हैंडराइटिंग, तो फास्ट हैंडराइटिंग सबसे ज्यादा हमारा टाइम बचाती है। अगर आप एक क्लास में हो और आपकी हैंडराइटिंग सबसे फास्ट है, तो आप अपनी क्लास में सबसे पहले काम कंप्लीट कर सकते हो। फास्ट हैंडराइटिंग के साथ साथ एक अच्छी राइटिंग बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एंड इसी के साथ साथ उसके साथ थोड़ी मिस्टेक्स भी होती है, बट ये सब तो थोड़ा है क्योंकि ये सब प्रैक्टिस के साथ कवर अप हो जाता है। एग्जामिनेशन के लिए फास्ट हैंडराइटिंग की सबसे बेस्ट हैंडराइटिंग होती है। एंड अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन की बात करें तो फास्ट हैंडराइटिंग की सबसे बेस्ट है। एंड अगर आप कंफ्यूज हो कि मेरे लिए कौन सी हैंडराइटिंग बेस्ट होगी, तो आप अगर अपर क्लासेस में हो तो आप अपनी स्ट्रीम देखो कि आपने कौन सी स्ट्रीम चूज की है। लाइक अगर आपने बायोलॉजी या कॉमर्स चूज की है तो आप एक फास्ट राइटिंग की तरफ जा सकते हैं। एंड अगर आपने मैथ या आर्ट साइड ले रखी है तो आप एक क्वालिटी हैंडराइटिंग को प्रेफर करो। एंड अगर आप एक बायोलॉजी स्ट्रीम से हो तो आपको डेफिनेटली एक फास्ट हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस अभी से करनी चाहिए, क्योंकि वो आगे आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। एंड अगर आपको पता लगाना है कि मेरी राइटिंग फास्ट है या नहीं, तो आप सिंपली एक पेन एंड पेपर और एक स्टॉपवॉच लेके कोई भी एक एसे या पैराग्राफ को लिखना शुरू करो एक मिनट का टाइमर लगा के। एंड अगर आप 50-80 वर्ड्स पर मिनट लिख पाए, तो इसका मतलब ये है कि आपकी एक फास्ट हैंडराइटिंग है। एंड अगर आपकी फास्ट हैंडराइटिंग नहीं बन पा रही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसी टिप्स दूंगा जिनको फॉलो करके आप अपनी नॉर्मल राइटिंग को भी फास्ट हैंडराइटिंग बना सकते हो। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूँ। लाइक अगर आप उन बच्चों में से हो जिनकी हैंडराइटिंग ना तो फास्ट है ना ही एक क्वालिटी हैंडराइटिंग है, मींस एवरेज से भी थोड़ी लो हैंडराइटिंग है, तो आप फास्ट हैंडराइटिंग सीखना शुरू कर दो। क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी तो तभी आपको आपके फ्रेंड्स या टीचर्स आपकी राइटिंग को अच्छा बोलेंगे, क्योंकि अगर आपकी हैंडराइटिंग पूरी क्लास में सबसे फास्ट होगी तो आपकी हैंडराइटिंग खुद में ही एक यूनिक हैंडराइटिंग बन जाएगी पूरी क्लास में। एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक फास्टेस्ट हैंडराइटर कैसे बन सकते। एंड आई एम सॉरी कि वीडियो बहुत ज्यादा डिले हुई, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी जो कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में आपको बताई थी एंड अभी थोड़ा शेड्यूल भी बहुत ज्यादा बिजी चल रहा है, तो इसे वीडियोस के लिए प्लीज थोड़ा सा वेट कर लेना। एंड थैंक यू उन लोगों को जिन्होंने मेरे इनएक्टिव होने पे भी मुझे पूरा सपोर्ट किया। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।